और भी क्या हालचाल है आप सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद मैं करूंगा मेगा अनबॉक्सिंग और यहां पे मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग गिटार ब्रांड है। इस ब्रांड को मैं 2020 से फॉलो कर रहा हूं। इंडिया में पहले ये वाइडली अवेलेबल नहीं था, बहुत ही कम स्टोर्स पे देखने को मिलता था और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब ये ब्रांड जो है इंडिया में रीलॉन्च हुआ है, आपको वाइडली अवेलेबल होगा काफी सारे स्टोर्स पे ऑल ओवर इंडिया। तो आज मैं बात करूंगा विंटेज इलेक्ट्रिक गिटार्स की, और विंटेज नाम से धोखा मत खाना कि मैं पुराने गिटार्स के बारे में बात कर रहा हूं। विंटेज अपने आप में एक बड़ा ही रेनाउंड ब्रांड है और ये बेस्ड है यूके में। दिस ब्रांड वॉज फाउंडेड इन 1995। तो ये काफी प्रीमियम क्वालिटी के गिटार्स बनाते हैं। इनमें आपको जो है वही ट्रेडिशनल टोन वुड्स देखने को मिलेंगी, जो कि आजकल भाई जो मेजर ब्रांड्स है वो काफी हाई एंड गिटार्स में ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है विंटेज गिटार्स का वो है कि सारे विंटेज गिटार्स में आपको जो है विल्किंसन का हार्डवेयर देखने को मिल जाता है, पिकअप्स देखने को मिल जाती है, एंड विल्किंसन का मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। विल्किंसन इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन द गिटार इंडस्ट्री और यहाँ पे मतलब विल्किंसन का जो हार्डवेयर है पिकअप से बहुत ही रिलायबल रहते हैं। तो पहली बार जब मैंने विंटेज गिटार्स इंटरनेट पे देखे थे, मैंने स्पेक्स देखे थे, बहुत इंप्रेसिव लगे थे, लेकिन ये विल्किंसन का हार्डवेयर था जो कि मेरे को एक बहुत ही बड़ी यूएसपी लगी थी। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कई ब्रांड जो होते हैं कोई पार्ट विल्किंसन का ऑफर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट आपको जो है गिटार में विल्किंसन का हार्डवेयर और पिकअप्स देखने को मिलती हैं। तो आज मैं कुछ ट्रेडिशनल गिटार्स तो अनबॉक्स करूंगा, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग स्पेक्स होने वाले हैं, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होने वाले जो कि आपने ना यूजुअली नहीं देखे होंगे इलेक्ट्रिक गिटार्स में। इसके अलावा ना यहाँ पे मैं एक बेस गिटार भी अनबॉक्स करूंगा और यहाँ विंटेज में एक अफोर्डेबल सीरीज आती है जिसका नाम है कोस्टर सीरीज, तो वो भी अनबॉक्स करूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट गिटार्स का ना साउंड चेक भी करूंगा, तो भाई टाइम स्टैम्प्स को जरूर फॉलो करना। तो चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला गिटार है ना बड़ा डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, येट यहाँ पे जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ना स्पेक्स का बड़ा ही हटके है। इस तरीके की चीज आई एम श्योर आपने जो है पहले नहीं देखी होगी। क्या बात है, तो भाई ये है विंटेज का V100 PLB। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक लेस पॉल शेप है और यहाँ पे आपको एक बिक्सबी ब्रिज मिल रहा है। तो यार बड़ा ही मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इस तरीके का लेस पॉल कि आपको एक बिक्सबी ब्रिज मिल रहा है लेस पॉल में, ये आपको इंडिया में स्पेशली देखने को नहीं मिलेगा, बाहर मे भी कोई ब्रांड ऑफर करता हो। और यहाँ पे एक बार मैं स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक टू पीस महोगनी बॉडी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें मेपल कैप मिल जाती है और मेपल कैप के ऊपर यहाँ एस्थेटिक्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेपल वीनियर देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल काफी अच्छी लुक आती है इसमें। एक तो ये पर्पल कलर आता है और इसके अलावा इसमें आपको फ्लेम्ड एम्बर और फ्लेम थ्रू ब्लैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और विंटेज गिटार्स में एक और खास चीज है जो कि आगे मैं आपको और भी कुछ गिटार्स में दिखाऊंगा, और वो है ये टिल्टेड नेक जॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वो ट्रेडिशनल लेस पॉल वाला नेक जॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे ये टिल्टेड इसलिए दे रखा है ताकि अपर फ्रेट एक्सेस बहुत ही कंफर्टेबल हो। और डेफिनेटली यहाँ पे जो अपर फ्रेट एक्सेस है बहुत ही कंफर्टेबल है। इस गिटार में आपको ग्राफटेक का न्यूबोर्न नट देखने को मिल जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विल्किंसन का हार्डवेयर मिलता है, तो यहाँ पे पिकअप्स विल्किंसन की है। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्यूनिंग कीज है भाई बहुत ही बढ़िया है, ये जो है विंटेज स्टाइल ट्यूनिंग कीज है और ये भी विल्किंसन की है। और यहाँ पे ना मतलब आपको स्ट्रैप लॉक्स भी मिल जाते हैं जो कि बड़े यूजफुल रहते हैं। और यहाँ पे आपको रोजवुड फ्रेटबोर्ड मिलता है विद 22 फ्रेट्स एंड ट्रैपेजॉइड इनलेस। तो ओवरऑल मतलब एक ट्रेडिशनल लेस पॉल भी है विद अ वेरी डिफरेंट वाइब, लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा कॉम्बिनेशन। अब बारी है बॉक्स नंबर टू की और ये गिटार भी भाई बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस तरह के गिटार मैंने अब तक चैनल पे कभी फीचर नहीं किया है, तो यहाँ पे चलो फटाफट अनबॉक्स करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये वाला गिटार। क्या बात है यार, एक सेमी होलो इलेक्ट्रिक गिटार। तो ये है विंटेज का VSA 500W। तो ये वो गिटार मॉडल है जिससे मेरे को पता लगा था कि विंटेज भी कोई ब्रांड है। तो यहाँ चलो स्पेक्स की बात करते फटाफट और यहाँ पे सबसे पहले कलर की बात करते। तो ये जो है वॉलनट फिनिश है,
अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिनिश है क्योंकि आप ऑनलाइन देखोगे तो थोड़ा सा आपको ना ब्राउनिश टिंच फील होगा, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो थोड़ा ये रेड चेरीश कलर की तरफ जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं वुड्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो बॉडी है, जो टॉप है, वो बना है मेपल वुड का, और यहाँ पे देखो क्रीम बाइंडिंग आपको पूरी देखने को मिल जाती है बॉडी पे, लेकिन इसके अलावा ना एफ फोल्स में भी आपको जो है बाइंडिंग देखने को मिलती है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और ये आपको ऐसा नहीं कि हर सेमी होलो गिटार में मिलेगी, कुछ कुछ सेमी होलो गिटार्स होंगे जिसमें बाइंडिंग होगी, कुछ में नहीं होगी, तो ये एक प्रीमियम फीचर लगता है मेरे को पर्सनली। इसके अलावा आपको यहाँ पे विल्किंसन का ट्यूनोमैटिक ब्रिज मिलता है, विल्किंसन की हम्बकर पिकअप्स मिलती हैं, और यहाँ पे आपको अगेन विंटेज स्टाइल ट्यूनिंग कीज मिलती है विल्किंसन की। इसमें भी आपको ग्राफटेक न्यूबोर्न का नट मिल रहा है, और आई थिंक हर विंटेज के प्रीमियम गिटार में आपको जो है ये न्यूबोर्न वाला नट मिलेगा। इस गिटार का जो नेक है वो बना है महोगनी का। इसके अलावा इस गिटार का फ्रेटबोर्ड भी रोजवुड का बना है, और यहाँ भी आपको 22 फ्रेट्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो एक फेवरेट चीज मेरे को लगती है सेमी होलो गिटार्स में, वो है ये ब्लॉक इनलेस। तो कई गिटार्स होंगे जिसमें आपको डॉट इनलेस मिलते हैं, कई आपको गिटार्स मिलेंगे जिसमें ब्लॉक इनलेस होते हैं, तो पर्सनली मेरे को ये ब्लॉक इनलेस काफ़ी अच्छे लगते हैं सेमी होलो गिटार में। और यहाँ पे जो नेक जॉइंट है अगेन वो आपको टिल्टेड वाला मिलता है, तो सेमी होलो गिटार्स में ये पहला नेक जॉइंट मैंने देखा इस तरह का, क्योंकि यूजुअली सब में ना वो एकदम स्ट्रेट वाला नेक जॉइंट ही होता है। तो अगेन यहाँ पे आपको जो है अपर फ्रेट एक्सेस बहुत बढ़िया मिलता है। तो ओवरऑल मतलब गिटार जो है काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। प्राइस की बात करें तो करेंटली इस गिटार की जो MRP है वो है अराउंड 54,900। तो चलो अब अपना थर्ड बॉक्स खोलते हैं, और ये भी जो है बड़ा एक इंटरेस्टिंग गिटार है, मेरे को काफी अच्छा लगा था। क्या बात है, तो ये है भाई टेलीकास्टर, और ये है विंटेज का V52 BS, और BS का मतलब है बटरस्कॉच फिनिश। तो यहाँ पे भाई बड़ी एक ट्रेडिशनल फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी ट्रेडिशनल स्पेक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ जो बॉडी है वो बनी है ऑल्डर वुड की, एंड आई थिंक ये भी जो है टू पीस बॉडी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर की, तो यहाँ पे आपको वही ट्रेडिशनल टेली वाला लेआउट मिल रहा है, 3-way पिकअप सेलेक्टर है, एक वॉल्यूम एक टोन नॉब है, और यहाँ पे आपको 2 विल्किंसन की पिकअप्स मिल रही हैं, एक ब्रिज में एक नेक में। तो यहाँ पे आपको ना एक ट्रेडिशनल विंटेज स्टाइल टेली ब्रिज मिलता है, और यहाँ पे आपको ब्रास की सैडल्स मिलती हैं, विच इज़ रियली नाइस। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रीमियम ब्रांड उठाओगे जैसे कि भाई फिंडर है, फिंडर में आपको जो है ब्रास सैडल्स अमेरिकन सीरीज में यूजुअली देखने को मिलती है, और यहाँ पे ये एक विंटेज स्टाइल ब्रिज है, तो यहाँ आपको एक सैडल पे 2 स्ट्रिंग्स दिखेंगी। तो क्या होता है कि ये जो विंटेज स्टाइल ब्रिज होता है ना, जिसमें एक सैडल पे 2 स्ट्रिंग्स होती है, इसको इंटोनेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन थैंक्स टू विल्किंसन इनका ये जो ब्रिज है ये क्लेम करते हैं कि इसको आप बहुत आराम से इंटोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रास सैडल्स और इजी इंटोनेशन जो है एक काफ़ी हाईलाइटिंग फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे भाई एक मेपल का नेक देखने को मिल जाता है, मेपल का फ्रेटबोर्ड देखने को मिल जाता है। इस गिटार में आपको एक रेक्टेंगुलर 4 बोल्ट वाला नेक जॉइंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी जो नट है वो आपको ग्राफटेक न्यूबोर्न का देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखो बॉडी भी ग्लॉस है, नेक भी फुल ग्लॉस है, फ्रेटबोर्ड भी ग्लॉस है, और इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रिंग ट्री है ना वो भी विंटेज स्टाइल है, मतलब विंटेज ब्रांड में विंटेज स्टाइल स्ट्रिंग ट्री लगा हुआ है। और यहाँ ट्यूनिंग कीज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है विल्किंसन की विंटेज स्टाइल ट्यूनिंग कीज मिलती हैं। तो ओवरऑल जो है ये काफ़ी ट्रेडिशनल टेली है, मतलब यहाँ पे मैं विंटेज टेली बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो विंटेज ब्रांड में आपको जो है एक विंटेज ट्रेडिशनल स्टाइल टेली मिल रहा है। अब बात करें प्राइस की, तो करेंटली ये गिटार जो है वो आपको मिल जाता है 51,490 का। तो चलो अब अपना अगला गिटार अनबॉक्स करते हैं, और ये गिटार भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है स्पेक्स का वो आपको यूजुअली इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलो भाई फटाफट खोले और देखें कौन सा गिटार है। वाह भाई वाह, तो ये है एक SG स्टाइल, और इसमें आपको जो एक विब्राटो ब्रिज मिल जाता है, तो इस मॉडल का नाम है विंटेज VS6 VCR, और यार मतलब काफी ही ट्रेडिशनल SG है। आप देख सकते हो जो कलर है वो भी चेरी कलर है, और जब भी आप SG का सोचते हो तो इंस्टेंटली सबसे पहले यही कलर माइंड में आता है। Thank you.
और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बड़े यूनिक स्पेक्स मिलते हैं, तो देखो एसजी आपको देखने को मिल जाएगा, इस डिजाइन में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे विब्राटो वाला ब्रिज जो है ये आपको यूजुअली इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने देखा था गिब्सन एसजी विब्राटो वाला था अवेलेबल, लेकिन उसका प्राइस जो था वो 2 लाख से ऊपर का था। और यहाँ पे ये गिटार जो है ये है अराउंड 62,000 रुपीस का। तो चलो अब स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो एक फुल महोगनी बॉडी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो एक फुल ग्लॉस फिनिश मिलती है बॉडी में भी, नेक में भी। जो नेक है वो बना है महोगनी का ही, और इस गिटार में भी आपको जो है वो टिल्टेड नेक जॉइंट मिलता है, जैसा कि आपको लेस पॉल और सेमी हॉलो बॉडी में देखने को मिला था। तो अगेन यहाँ पे आपको जो है अपर फ्रेट एक्सेस बहुत बढ़िया मिलेगा इस नेक जॉइंट की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे नेक प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है एक स्लिम सी शेप नेक मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबल नेक है। और यहाँ पे भाई अगेन आपको जो है विल्किंसन की पिकअप्स मिल रही है, 3-way पिकअप सिलेक्टर मिल रहा है, और बहुत ही मतलब स्मूथ है यहाँ पे हार्डवेयर ना, जरा से भी कोई ऐसी स्टिफनेस या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे आपको रोजवुड फ्रेटबोर्ड मिल जाता है, 22 फ्रेट्स मिलते हैं, ग्राफटेक न्यूबोन का नट मिलता है। और यहाँ हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ आपको वही विंटेज स्टाइल ट्यूनिंग कीज मिल रही है विल्किंसन की। तो ओवरऑल अब देखो तो आपको एक बहुत ही ट्रेडिशनल जो है एसजी शेप का गिटार मिल रहा है। तो ये जो VS6 VCR है काफ़ी यूनिक है, एंड डेफिनेटली मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई ये जो विब्राटो ब्रिज है ये एक बड़ा यूनिक फीचर है, और इंडियन मार्केट में आपको ये मतलब 50-60,000 की प्राइस रेंज में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो अब अगला गिटार अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक गिटार होने वाला है। और यहाँ पे ट्रेमेलो लीवर भी है इसमें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बड़ा ही सही लग रहा है। एक बार फटाफट जरा स्ट्रिंग कवर भी उतार ले। तो भाई साहब ये जो है ये एकदम ही डिफरेंट गिटार है, और बड़ा ही अच्छा पर्पल फिनिश में आप देख सकते हो, और ये एक 24 फ्रेट गिटार है। तो ये है विंटेज का V6M24PL, और इस फिनिश का नाम है पैसेडीना पर्पल। अब यहाँ स्पेक्स की बात करें तो इस गिटार में आपको एक ऑल्डर बॉडी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो नेक और फ्रेटबोर्ड है वो बना है मेपल का। और यहाँ नेक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक सॉफ्ट सी शेप नेक प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा फ्लैटर फ्रेटबोर्ड रेडियस मिलेगा, यहाँ पे आपको अराउंड 15 इंच का फ्रेटबोर्ड रेडियस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे आपको ग्राफटेक न्यूबोन का नट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि हर विंटेज गिटार में जो है ना आपको बहुत ही क्वालिटी हार्डवेयर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भाई रिवर्स हेडस्टॉक है, और यहाँ पे जो है कलर मैचिंग हेडस्टॉक है, जो बॉडी का कलर है वही कलर आपको हेडस्टॉक पे भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ विल्किंसन की ट्यूनिंग कीज है, और यहाँ पे भाई हार्डवेयर की बात करें इधर तो यहाँ पे आपको एक विल्किंसन का ट्रेमेलो ब्रिज मिलता है, विच इज़ रियली गुड, ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक वॉल्यूम एक टोन नॉब मिलती है, 3-way पिकअप सिलेक्टर मिलता है, और यहाँ विल्किंसन की हम्बकर पिकअप्स मिलती हैं, और यहाँ पे जो है आपको ग्लॉस फिनिश की बॉडी मिलती है। इसके अलावा जो फ्रेटबोर्ड और नेक है वो भी ग्लॉस फिनिश में है, और यहाँ पे जो नेक जॉइंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको एक कॉन्टोर्ड नेक हील देखने को मिलती है, और यहाँ पे इवन बॉडी में भी पीछे हल्की सी कॉन्टोरिंग हो रखी है। तो ओवरऑल काफी कंफर्टेबल नेक जॉइंट देखने को मिलता है, और अपर फ्रेट एक्सेस बहुत बढ़िया है इस गिटार में भी। प्राइस की बात करें तो ये विंटेज V6M24PL जो है वो आपको मिल जाता है अराउंड 49,000 रुपीज का। तो चलो अब नेक्स्ट गिटार पे आते हैं, और ये मेरे हिसाब से जो है एक बड़ा ही ट्रेडिशनल गिटार होने वाला है। अरे वाह, तो भाई ये है एक विंटेज का प्रॉपर लेस पॉल, और इसमें मतलब आपको वही ट्रेडिशनल लेस पॉल वाली फील मिलेगी। तो ये है विंटेज का V100, और ये मेरे पास है चेरी सनबर्स्ट फिनिश में। इसमें और भी आपको फिनिश के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यार बड़ा ही एक ट्रेडिशनल लेस पॉल देखने को मिल जाता है आपको विंटेज में, और काफ़ी ही बढ़िया लग रहा है देखने में। We'll be right back.
और इस गिटार के अब स्पेक्स की बात करें तो इस गिटार में आपको जो है एक मेपल बॉडी देखने को मिल जाती है और बॉडी के ऊपर एक मेपल कैप देखने को मिल जाती है और मेपल कैप के ऊपर आपको यहाँ पे एक फ्लेम मेपल विनियर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल काफी अच्छी लुक आ रही है इस फ्लेम मेपल की। और यहाँ पे जो है आपको एक महोगनी नेक मिलता है, इसके अलावा आपको जो है रोजवुड फ्रेटबोर्ड मिलता है, 22 फ्रेट्स मिलते हैं और यहाँ पे भी जो है आपको वो टिल्टेड नेक जॉइंट मिलता है जो कि अभी मैं काफी सारे गिटार्स में दिखा चुका हूँ। और यहाँ हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ आपको विल्किंसन का ट्यूनोमैटिक ब्रिज मिलता है, आपको एक वॉल्यूम एक टोन कंट्रोल नॉब मिलता है दोनों पिकअप्स के लिए। यहाँ जो पिकअप्स है वो आपको विल्किंसन की मिल जाती है, थ्री वे पिकअप सिलेक्टर है, बहुत ही स्मूथ है। इसके अलावा यहाँ ग्राफटेक का न्यूबोर्न नट है और यहाँ पे आपको जो है विंटेज स्टाइल ट्यूनिंग कीज मिलती है विल्किंसन की जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। प्राइस की बात करें तो ये जो विंटेज V100 है ये करंटली आपको मिल जाता है 56,000 रुपीस का। तो चलो करते हैं अब अपनी अगली अनबॉक्सिंग। और अगेन ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गिटार है और फिर मैं आपको कहूंगा इस तरीके का गिटार आपने देखा होगा, बड़ा एक ट्रेडिशनल डिजाइन का इलेक्ट्रिक गिटार है लेकिन अगेन जो इसके स्पेक्स हैं, जो एक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो आपको यूजुअली नहीं देखने को मिलती स्पेशली इन द इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे चलो अनबॉक्स करते हैं इस गिटार को भी। और ये है वाइट कलर का, क्या बात है। तो ये है अपने विंटेज का V1003। तो यहाँ पे बेसिकली थ्री का मतलब हो गया भाई थ्री हम्बकर पिकअप्स जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही यूनिक है। और यार वाइट और गोल्डन में तो ये एक अपना बड़ा एक ट्रेडिशनल जो है कलर कॉम्बिनेशन है लेस पॉल के लिए और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पूरा ऑल वाइट गिटार है आप देख सकते हो और पूरा ही ग्लॉस फिनिश में है। तो चलो फटाफट स्पेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी बनी इस गिटार की वो है महोगनी की, अगेन टू पीस महोगनी की बॉडी है। और ये जो लेस पॉल है ये जो है काफ़ी लाइट वेट है, मतलब जितना एक लेस पॉल हैवी होता है उससे ये लाइट है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मेरे को तीन पिकअप्स देख के लग रहा था भाई बड़ा हैवी होगा लेकिन बहुत लाइट वेट है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है एक महोगनी नेक मिलता है विद सॉफ्ट सी नेक प्रोफाइल, मतलब वही आपको जो है काफी कंफर्टेबल सी शेप नेक मिल रहा है। और यहाँ पे आपको रोजवुड फ्रेटबोर्ड मिलता है विद ट्रेपेजॉइड इनलेज, यहाँ पे भी 22 फ्रेट्स है। और अगेन यहाँ पे नेक जॉइंट की बात करें वही टिल्टेड नेक जॉइंट है फॉर बेटर फ्रेट एक्सेस, यहाँ पे बहुत ईजिली आप जो है हायर फ्रेट एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगेन यहाँ पे आपको वही ग्राफटेक न्यू बोन का नट मिलता है और यहाँ पे जो है आपको विल्किंसन नी ग्रोवर की ट्यूनिंग कीज मिलती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया लेकिन यहाँ पे आपको जो पिकअप्स है वो विल्किंसन की ही मिलती हैं। तो ओवरऑल जो गिटार है मतलब बड़ा ही क्लासी लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और अगेन मैंने जैसा बताया ना आपको कि आपको इस तरीके की चीज़ें कहाँ मिलेगी इंडियन मार्केट में, मतलब आप कोई भी प्रोमिनेंट ब्रांड ले लो ये या तो कोई लिमिटेड एडिशन गिटार होगा या कोई गलती से कोई पीस आ गया तो मिल जाए। तो विंटेज में आपको रेगुलर लेस पॉल भी मिलता है, इसके अलावा जो है बिग्सबी वाला भी मिलता है और इसके अलावा ये ट्रिपल हम्बकर पिकअप का ऑप्शन भी मिलता है। प्राइस की बात करें तो करंटली इस गिटार की MRP है 62,960। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग और बड़े एक्साइटिंग इलेक्ट्रिक गिटार्स मैंने अनबॉक्स करे। अब यहाँ पे चलो थोड़ा सा शिफ्ट करते इलेक्ट्रिक से आते हैं बेस गिटार पे। तो यहाँ पे भाई विंटेज का बेस गिटार देखते हैं कैसा होगा। भाई बड़ा हैवी है और कुछ ज्यादा ही लंबा बेस है और भाई क्या लग रहा है ना, मतलब ये जैज बेस है और फाइव स्ट्रिंग बेस है और यहाँ पे यार मेपल फ्रेटबोर्ड है, ब्लॉक इनलेज है, मतलब इस तरीके का बेस ना मैंने बहुत कम प्ले किया है और मतलब चैनल पे पहली बार मैं इस तरीके का बेस ला रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। और ये जो है थोड़ा सा हैवी है भाई, बेस गिटार है तो थोड़ा हैवी हो गई लेकिन यार बड़ा ही क्लासी लग रहा है। और ये है सनबर्स्ट कलर में और इसका जो मॉडल है वो है VJ75M SSB। तो आई थिंक एम हो गया मेपल फ्रेटबोर्ड और SSB समथिंग रिलेटेड टू द सनबर्स्ट फिनिश, बहुत ही मतलब अच्छा और बड़ा ट्रेडिशनल लग रहा है। अब यहाँ स्पेक्स की बात करें तो इस बेस गिटार में आपको जो एक ऑल्डर वुड बॉडी मिल जाती है, इसके अलावा जो है आपको एक मेपल का एक काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल नेक मिलता है, मेपल का फ्रेटबोर्ड मिलता है और अगेन यहाँ पे आपको बॉडी भी ग्लॉस फिनिश में मिलती है, नेक और फ्रेटबोर्ड भी ग्लॉस फिनिश में मिलता है। और ये जो ब्लैक ब्लॉक इनलेज है भाई बहुत ही सही लग रहे हैं। इस गिटार में जो है टोटल आपको 20 फ्रेट्स मिलते हैं और इस बेस की जो टोटल स्केल लेंथ है वो है 34 इंचेस। यहाँ पे नट अगेन आपको ग्राफटेक न्यूबोन का मिलता है और यहाँ पे अगर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ ट्यूनिंग कीज भी विल्किंसन की है, जो ब्रिज है ये भी विल्किंसन का है और अगेन इसमें आपको ब्रास सैडल्स मिलती है विच इज़ रियली नाइस। और यहाँ आपको दो पैसिव पिकअप्स मिलती है विल्किंसन की। तो ओवरऑल यार मतलब बहुत ही प्रीमियम बेस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 52,000 रुपीस। अब अनबॉक्स करते हैं गिटार नंबर 9 और ये जो है ये अफोर्डेबल होने वाला है। तो चलो फटाफट देखते हैं कौन सा गिटार है।
और ये लग रहा है एक टेली शेप का गिटार, और हाँ ये टेली ही है। तो ये है विंटेज का V20 एंड दिस इज पार्ट ऑफ द कोस्टर सीरीज। कोस्टर सीरीज जो है वो विंटेज की सबसे अफोर्डेबल सीरीज है। इस टेली के अलावा आपको कोस्टर सीरीज में स्ट्रैट, लेस पॉल और SG शेप भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको जो है कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है प्रिसीशन और जैज बेस का ऑप्शन भी मिलता है इन डिफरेंट कलर्स एंड इन 4 and 5 string वेरिएंट। अब बात करें इस गिटार के स्पेक्स की, तो इस गिटार की जो बॉडी है वो बनी है पोलोनिया वुड की। इसके अलावा जो नेक है वो बना है मेपल वुड का। जो फ्रेटबोर्ड है यहाँ पे वो बना है रोजवुड का। और यह कोस्टर सीरीज में आपको विल्किंसन का हार्डवेयर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल यहाँ जो है क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लग रही हार्डवेयर की। जो पिकअप सिलेक्टर है वो भी बहुत स्मूथ है और यहाँ नॉब्स भी बहुत स्मूथ है। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वही टेली वाला लेआउट देखने को मिल जाएगा। 2 single coil पिकअप्स है और यहाँ पे आपको एक विंटेज स्टाइल ब्रिज मिलता है, जिसमें आप जो है बॉडी के थ्रू भी स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिज के थ्रू भी स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं। इस गिटार में आपको एलन एंड विसल की पिकअप्स देखने को मिलती हैं, और खाली इस गिटार में नहीं बल्कि जो पूरी कोस्टर सीरीज है उसमें आपको एलन एंड विसल की पिकअप्स देखने को मिल जाती है, विच इज अ रियली नाइस थिंग। और यहाँ पे आपको डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज मिलती हैं, और यहाँ पिकगार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एकदम प्रॉपर व्हाइट नहीं है, ये जो है थोड़ा सा एज्ड व्हाइट टाइप लग रहा है, मतलब वो पुरानी वाली फील दे रहा है जैसे कि एक विंटेज गिटार की होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको प्लास्टिक का नट देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात करें तो ये गिटार की जो MRP है वो है 19,990। तो अंडर 20,000 रुपीज जो है आपको सबसे सस्ता विंटेज गिटार देखने को मिल जाता है। और चलो भाई फाइनल गिटार अनबॉक्स करते हैं। ये भी आई थिंक कोस्टर सीरीज का ही पार्ट है, लेकिन देखते हैं कौन सा गिटार है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सेम गिटार आ गया है, लेकिन चलो अब आ गए तो एक बार अनबॉक्स भी कर लेते हैं। तो ये है विंटेज का V20, अभी जस्ट मैंने अनबॉक्स किया है, वो ब्लैक कलर में था, ये सनबस्ट कलर में है। तो यहाँ पे ये एज पिकगार्ड बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें भी बड़ा एक डिफरेंट टच दिया है विंटेज ने। और यहाँ पे भाई आपको एग्जैक्टली सेम स्पेक्स मिल जाएंगे जैसे कि पिछले वाले गिटार में थे, बस यहाँ पे एक मेन फिनिश का ही डिफरेंस है। तो ओवरऑल ये सनबस्ट फिनिश भी बहुत बढ़िया लग रही है, और अंडर 20,000 रुपीज डेफिनेटली ये गिटार जो है काफी अफोर्डेबल और काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ मेरे को काफी मजा आया इन गिटार्स को अनबॉक्स करने में। बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के गिटार्स आपको जो है विंटेज ब्रांड में देखने को मिल जाते हैं। किस विंटेज गिटार का सबसे पहले आप रिव्यू देखना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।